भगवान पूर्वाद्वार 99 ईश्वर प्रतीति के विषय में पूछताछ। इसके बाद भगवान ने जानो पाते से पूछा, जानो बले ग्राम से तुम्हारे साथ कौन कौन आया है अथवा तुम अकेले ही यहां आए हो। तब जानो पाते ने कहा, भगवान मेरे साथ दादोस पदकर नागदेव भट्ट, राक्य लक्ष्मीधर भट्ट, जपीय विष्णु भट्ट, आगदेव भट्ट, बागड़े विष्णु भट्ट, नागदेव उपाध्याय, उपाध्याय के भाई गाते कमल नायक, आणो रवड़ो गोंदो और वे स्वयं जानो पादे, मिलाकर 13 लोग आए हैं। फिर भगवान ने जानो पादे से कहा, जानो हमसे जो तुम्हें आनंद का संचार हुआ था उसका कार्य कैसे चल रहा है। उत्तर में उपाध्याय ने कहा, भगवान वह तो बहुत अच्छा चल रहा है। एक प्रहर तक एकांत में बैठना अच्छा लगता है, वहां बैठकर आपको याद करना रुचिकर लगता है। जब एकांत में बैठता हूं तो बहुत आनंद प्राप्त होता है। मैं आपको श्री कृष्ण भगवान का ही रूप मानता हूं। द्वापर के श्री कृष्ण चक्रवर्ती भगवान ही हमारे भगवान हैं। फिर भगवान ने उपाध्याय से पूछा, किस आधार पर आप हमें श्री कृष्ण का रूप मानते हैं। इस पर जानो उपाध्याय ने कहा, भगवान पैठन में जब मैं पहली बार आपसे मिला था तब आपने कास्ते हरिदेव पंडित से गोपाल मंत्र के वेद रहस्य का जो वर्णन किया था उस समय आपने उनसे कहा था कि इस रहस्य को या तो श्री कृष्ण चक्रवर्ती जानते थे अथवा रुक्मिणी देवी जानती थी, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं जानता। मैं उसी समय समझ गया था कि हमारे भगवान द्वापर के श्री कृष्ण चक्रवर्ती का ही रूप है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई हो ही नहीं सकते। इसके अनंतर भगवान ने जानोपादे से कहा, हम जो भी हैं वे हैं, चाहे श्री कृष्ण चक्रवर्ती हो या कुछ अन्य, परंतु यह मानना पड़ेगा कि तुम्हारी बुद्धि का निश्चय उचित है, अच्छा है। ऐसी बुद्धि की प्रतीति और मन में श्रद्धा का भाव हमेशा बनाए रखना, जो तुम्हारे पास है उसे अपने मन में संजोए रखना। फिर भगवान ने बाईसा से कहा, जानो क्या कह रहा है। तो बाईसा ने भगवान से कहा, भगवान यह सौभाग्यशाली है जिसे आपके दर्शन हुए हैं और आप पर उसकी श्रद्धा और विश्वास अटूट है। इसके बाद भगवान ने उपाध्याय से पूछा, दादोस महात्मा तुम्हारे गांव में ही रहते हैं, उनसे शास्त्र का अध्ययन करते होंगे, उनसे तुम्हें शिक्षा भी मिलती होगी। महात्मा दादोस और हम, इन दोनों के विषय में तुम्हारी धारणा और बुद्धि कैसी है। इस पर जानोपाध्याय ने कहा, भगवान आप दोनों के प्रति मेरी धारणा और बुद्धि एक जैसी ही है। मैं आप दोनों को एक समान ही महत्वपूर्ण मानता हूं और पूज्य मानता हूं। इस पर भगवान ने पुनः बाईसा से कहा, माता जानो क्या कह रहा है। इस पर बाईसा ने इन बातों को ध्यान से नहीं सुना था। उन्होंने अनसुना ही कह दिया, भगवान यह भक्त बहुत भाग्यशाली है, खुशकिस्मत है। इस पर फिर भगवान ने कहा, माता यह कह रहा है कि महात्मा दादोस और आप मेरे लिए एक समान ही पूजनीय हैं। इन शब्दों को सुनकर बाईसा को बड़ा अटपटा सा लगा। फिर बाईसा कहने लगी, इसे समझ नहीं है कि यह क्या कह रहा है। यह महात्मा दादोस तो वही है ना जो यहाँ भगवान के पास आकर उनसे शिक्षा प्राप्त करता रहा, यहाँ रो रो कर भगवान से प्रार्थना करते करते उसने इनसे आचार्य पद प्राप्त किया, जो भगवान का शिष्य है और शमशान में साधना करने वाला है, उससे तो भगवान की बराबरी कर रहा है, दोनों को एक समान मान रहा है, लगता है तेरी बुद्धि सठिया गई है। फिर बाईसा को समझाते हुए भगवान ने कहा, माता अज्ञानी जीव को क्या पता कि परमेश्वर और जीव में क्या अंतर है। वह तो जहां चमत्कार देखता है वही नमस्कार करने लग जाता है। परमेश्वर ही जीव को ज्ञान देकर उसे दोनों के अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। फिर भगवान ने उपाध्याय को समझाते हुए कहा, जानो महात्मा दादोस एक साधारण जीव है, वह हमारा शिष्य है, उसके प्रति हमारी सहानुभूति है। परमेश्वर तो एक ही है, वह अनेक नहीं हो सकता, उसके अवतार अनेक हो सकते हैं, जीव और परमेश्वर दोनों भिन्न भिन्न है। इस प्रकार भगवान ने उसे समझाया। अंग लीला का हेतु। इस लीला में भगवान का मुख्य हेतु था जानो उपाध्याय को ईश्वर के प्रति प्रतीति अर्थात दृढ़ विश्वास उत्पन्न करना। भगवान ने उपाध्याय से सबसे पहले यही पूछा कि भगवान से उन्हें जो स्थिति का संचार हुआ था उससे उन्हें कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है कि नहीं। इसके उत्तर में उपाध्याय ने कहा कि उससे उन्हें मानसिक आनंद और सुख प्राप्त होता है, मन शांत होता है और एकांत में बैठने की भावना उत्पन्न होती है। फिर भगवान ने पूछा कि उनके मन में सर्वज्ञ के प्रति कैसी भावना है।
उन्हें वे किस रूप में मान्यता प्रदान करते हैं? इसके उत्तर में जानू ने कहा, वे सर्वज्ञ को द्वापर के श्री कृष्ण चक्रवर्ती का रूप ही मानते हैं। सर्वज्ञ श्री चक्रवर्ती भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। वास्तव में देखा जाए तो सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी का अवतार हो सकते हैं, श्री चक्रधर स्वामी परमेश्वर का अवतार हो सकते हैं। इस अवतार में कृपा गुण का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। इस अवतार की सबसे बड़ी विशेषता है जीवों का उद्धार करना। भगवान ने कहा भी है। फिर आचार्य नागदेव ने भी कहा है कि इस अवतार से जिसका उद्धार नहीं होता हो सकता, उसका किसी भी अवतार से उद्धार नहीं हो सकता। उपाध्याय को इससे पूर्व जन्म में वस्तु भजन का अधिकार प्राप्त था। उनके मन में परमेश्वर के प्रति लगाव था। पुनः संबंध में भगवान उन्हें प्रेम साधन प्रदान कर उनका उद्धार करेंगे। श्री चक्रधर स्वामी के चले जाने के बाद में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, ईश्वर की प्रतीति भी हुई थी। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 199 यहां संपूर्ण होती है। बहुत महत्व की लीला है ईश्वर प्रतीति, श्री चक्र स्वामी श्री कृष्ण भगवान के ही अवतार हैं। प्रणाम, जय श्री कृष्ण।